हेलो प्रीटी पीपल, व्हाट्सअप। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम गए थे धक्कीनेश्वर पे और उसके बाद हम थोड़ा मोगैम्बो घूमने गए थे। मोगैम्बो थोड़ा खाना दाना खाने, पार्क स्ट्रीट की मोगैम्बो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी आप देख रहे हो कि धक्कीनेश्वर पूजा देके हमने थोड़ा फ़ोटो खिंचवाया। धक्कीनेश्वर के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, तो हमने इसलिए धक्कीनेश्वर को लेकर और कोई वीडियोज़ नहीं बनाया है और मोगैम्बो की वीडियो बनाए। ये कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, काफ़ी वाइब्रेंट आए थे तो पहले ही डाल दिया। और हमने वहाँ से मेट्रो ले लिया एंड उसके बाद हम पहुँच गए पार्क स्ट्रीट की मोगैम्बो पे। तो ये है मोगैम्बो का एम्बियंस, आप देख ही सकते हो। मोगैम्बो का बोलो या पार्क स्ट्रीट की मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट है उसका एम्बियंस कुछ इस टाइप की होते हैं, जैसे कि बहुत डिम लाइट रहते हैं, देख सकते हो आप। तो अभी हम खाना ऑर्डर कर दिए थे, तो हमारे खाने पे हमने ऑर्डर किया था चिकन टिक्का और काफ़ी अच्छा पीस दिया था। मेरा शायद 4 पीस, उसका 4 पीस, 8 पीस था। चिकन टिक्का बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज़्यादा जूसी था, सॉफ्ट था, बहुत ही सही लगा। एंड उसके बाद ऑफकोर्स मोगैम्बो इनकम्प्लीट, अगर मोगैम्बो में जाके आप ये चीज़ ट्राई ना करो, दिस इज़ चिकन अलागी। सेकेंड टाइम मोगैम्बो पे गई थी मैं, तो चिकन अलागी मेरा फेवरेट सा डिश बन चुका था, तो हमने वो उठा लिया है। पहले बार मैंने कट किया था, उसका शॉर्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि तुम कट करो, मैं उसका वीडियो करूँगी। तो अब देख सकते हो उसने कट किया है, बहुत जेंटली कट किया है। मैं कट करती तो बहुत अच्छे से निकलते, पूरा बारिश की तरह। ये जो बटर है, मेल्टेड बटर, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं मुझे ये वाला डिश। उसके बाद मेन कोर्स हमने लिया ही नहीं, मेरा पेट, हमारा दोनों का पेट भर गया। तो फिर मैंने लिया ये बेक्ड अलास्का, जो कि मोगैम्बो की और एक फेमस डिश है, जिसके लिए मैं, मतलब मेरा मन था कि पहले भी मन था खाओ कि नहीं खाया, इस बार ऑर्डर कर ही लिया। बेसिकली इसमें फ्रूट्स है, स्पंजी केक है, आइसक्रीम है एंड ऊपर जो फ्रॉस्टी क्रीम होता है उसे बेक किया है शायद। अंदर का चीज़ें तो मुझे खा के पता लगा, ये फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ है, ऊपर का मुझे नहीं पता चला। ऊपर का बहुत क्रीमी क्रीमी सा था, उसे बेक किया गया। तो यही था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। इन केस इफ़ यू लव दिस वीडियो तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत कुछ कहना था वीडियो पर लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कंटेंट प्रॉब्लम की वजह से नहीं कह पाए हैं। शॉर्ट्स में सारा कुछ डाल देंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक्स।